दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप YouTube वीडियो अपलोड कर देते हो ना, तो अपलोड करने के बाद उस पर एडिटिंग कैसे कर देते हो। देखो होता क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं कि जब उनका वीडियो अपलोड हो जाता है और उस पर कुछ मिस्टेक वगैरह दिखाई देती है तो उसको पूरा वीडियो डिलीट कर देते हैं, उसको वापस से एडिट करते हैं फिर अपलोड करते हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो अपलोड होने के बाद भी उस पर आप बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि आपका बहुत सारे जैसे आपने कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको नहीं दिखाना चाहिए था वो शो हो जाता, तो आप उसको ब्लर कर सकते हो, या फिर कई बार ऐसा कुछ जो आपको चीज़ नहीं बोलना चाहिए था वो बोल देते हो तो उसको आप कट कर सकते हो, कट करके उसको हटा सकते हो। या फिर कई बार आप अपने वीडियोस पर मान लो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना भूल जाते हो तो वो भी आप वीडियो अपलोड होने के बाद भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस पर ऐड कर सकते हो और जो मन चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। और कई सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि क्या उस पर हम कोई फोटो वगैरह भी अलग से ऐड कर सकते हैं या फिर कोई वीडियो क्लिप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो अपलोड होने के बाद उस पर आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो एंड कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में अच्छे समझाने के लिए चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम ब्राउजर पर मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैं चलता हूँ वीडियोज वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी सारी की सारी वीडियोज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं किसी एक वीडियो को क्लिक करता हूँ जिस पर मैं एडिटिंग वगैरह करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने अपनी किसी वीडियोज पर ऐसी मिस्टेक नहीं करी कि मुझे कुछ एडिटिंग करना पड़े, लेकिन मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने के लिए एग्जांपल के लिए ये वाला मान लो एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो एक तो इसमें चीज होती है आपका वीडियो का जो डिटेल होता है, जैसे आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सारी चीजें तो आप बाहर से ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो आपका वीडियो होता है ना, इस वीडियो की एडिटिंग वगैरह आप कैसे करोगे अपलोड होने के बाद। ठीक है, ये वीडियो आपका अपलोड है, इस पर आप एडिटिंग कैसे करोगे, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल करना, एडिटर वाले ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना। तो देख सकते हो ये आपका वीडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपकी वीडियो की टाइमलाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको चार चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी होती है वीडियो, वीडियो आप देख सकते हो ये रहा सामने, तो इस पर आप एडिटिंग कैसे करोगे। मान लो आपको आगे का पार्ट कट करना है या फिर बीच में से कई सारे पार्ट कट करने हैं या फिर पीछे का पार्ट करना है, तो वो चीज़ आप कैसे करोगे। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है आपका ऑडियो, जो आपके वीडियो वीडियो में जो आवाज़ होती है ना यानी ऑडियो, उसका टाइमलाइन नीचे देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप एडिटिंग वगैरह कैसे करोगे, क्या क्या कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा। तीसरी चीज आपको मिल जाती है ब्लर। ठीक है, तो ब्लर आप कैसे कर पाओगे, ब्लर भी यहां पर दो टाइप से होता है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये तो आपका एंड स्क्रीन, तो आप नॉर्मली बाहर से भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको और मिलती है, यहाँ पर आपको साइड में टाइम भी दिखाई देता है, जहाँ पर ये आपका ये जो आपका स्टिक टाइप होता है ना, ये जहाँ पर होता है वो आपका यहाँ पर टाइम भी शो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो इसको भी इजिली आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आप जूम करोगे तो ये जो आपका ये टाइम लाइन है आपका जूम हो जाएगा और यहीं से आपका ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आप यूज कर सकते हो। देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले वीडियो के बारे में। वीडियो मान लो कि मुझे यहाँ पर कुछ आगे का पार्ट कट करना है या फिर बीच में से कट करना, तो वो चीज़ आप कैसे करोगे, तो उसके लिए देखो सिंपल तरीका, यहाँ पर जो आपको ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है ना, सिंपल से आपको एक बार ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो अब नीचे आप देखोगे ये जो आपका पूरा वीडियो था ना, ये आपका वीडियो देख सकते हो इस पूरी ब्लू लाइन के अंडर में पूरा का पूरा आ चुका है। ठीक है, अब मान लो मुझे ये आगे का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आगे का पार्ट कट करना है, तो यहाँ पर मेरी यह स्टिक जहाँ पर जहाँ तक आपको कट करना है वहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्टिक को रख लेना है। मान लो मुझे यहाँ तक का पार्ट कट करना है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके और सिंपल से यहाँ पर मैं स्लिप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक कर देख सकते एक पट्टी यहाँ पर बन चुकी है। अब अगर आप इसको आगे को कट करना तो आप आगे को स्क्रॉल कर दीजिए या फिर पीछे कट करना तो पीछे को स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, जितना करना हो उतना आप कर सकते हो, बाकी आप यहाँ से टाइमिंग भी अपना देख सकते हो कि कहाँ से कितने मिनट या कितने सेकंड से लेकर के कहाँ तक का आपको करना है। ठीक है, तो मान लो कि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग तक का करना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब ये मेरा स्टार्टिंग का ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट है, ये मेरे वीडियो में अब नहीं शो होगा। ठीक है, अब मान लो मुझे कहीं बीच पर करना है, तो मैं इस पट्टी को यहाँ पर ये जो स्टिक है इसको खिसका करके यहाँ पर मैंने मान लो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिर से इस स्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब इसके मुझे आगे करना है तो आगे स्क्रॉल कर दूंगा, पीछे करना है तो पीछे तरफ स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक है, तो मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इसमें भी कट करना है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह कुछ भी थी तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब मान लो कि मुझे और भी कहीं पर करना है, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, बस आपको ये जो स्टिक है इस स्टिक को उठा के आपको ले जाना है। सॉरी ये आपका खिसक रहा है,
हाँ ये आपका स्टिक है, तो इसको आपको उठा के ले जाना है और यहाँ पर आपको स्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आगे या पीछे जहाँ भी आपको जहाँ तक का कट करना है वो चीज़ आपको सिलेक्ट कर देना है। अब मैं देखो आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, अब यहाँ पर मैं वीडियो पर आता हूँ और ये जो लाइन है इसको मैं खिसका देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका नॉर्मल वीडियो चलेगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से जंप करके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आपका ब्लैक ब्लैक पार्ट ना, ये बिल्कुल भी आपका वीडियो में नहीं प्ले होगा। चलिए यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने वीडियो प्ले करा, अब ये देख सकते हो तो आपका लाइन चल रहा है और जैसे आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऑटोमेटिक आपका जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आपका जंप हो गया। अब मैं इसी को देखो यहाँ पर आगे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसको यहाँ तक ले आया, अब यहाँ से देखो जैसे मैं इसके प्ले कर दिया, अब यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जंप हो जाएगा। मतलब अब आपका ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट ना, ये आपके वीडियो से पूरी तरीके से ट्रिम हो जाएगा, पूरी तरीके से स्लिप्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सिंपल तरीका, अगर आपको इसको सेव करना, सारा कुछ एडिट हो गया तो यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर दोगे तो आपका सारा का सारा एडिट हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको सेव नहीं करना, लेकिन ये मुझसे मान लो मिस्टेक्स हो गए, तो आप इसको यहां से एडिट ट्रिम पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो और आपको आगे पीछे या फिर और भी कट लगाने हैं, या फिर आपको यहां पर अंडू का बटन मिल जाता है तो आप अंडू वाले बटन पर क्लिक करके इसको सारा का सारा अंडू भी कर सकते हो। देख सकते हो पूरी तरीके से सारा कुट हट चुका है। अब देखो मैं अगली चीज आपको बताता हूं, ये जो आपको यहां पर आइडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर देखो आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए यहां पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने साइड में आप देखोगे वीडियो के, यहां पर आपको आइडियो लाइब्रेरी जो आपका YouTube का होता है वो ओपन हो चुका है। ढेर सारे यहाँ पर आपको फ्री म्यूजिक मिल जाते हैं जिनको आप इजिली यहाँ से प्ले करके सुन भी सकते हो। ठीक है, इजिली जैसे यहाँ पर मुझे ये वाला पसंद है, इसको यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से इसको सुन भी सकते हैं। और अगर आपको इसको यूज करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, जो आपको ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, पहले इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ पर जो ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है, ऐड वाले ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और ये वीडियो के ऐप में, वीडियो के ऐप का जो टाइम लाइन ना, इंच यहां पर देखोगे ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। अब मान लो कि मुझे यहां से यहां तक नहीं करना, मुझे यहां से सिर्फ यहां तक करना, ठीक है, तो आप इसको स्क्रॉल करके आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, और मान लो कि आपको जो आप इसको जब वीडियो को प्ले करोगे तो हो सकता है कि आपका ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने लगाया है इसकी आवाज़ आपका ज़्यादा हो और वीडियो की आपकी आवाज़ कम सुनाई दे, तो यहाँ से आप इसकी एडजस्ट मिक्स लेवल भी कर सकते हो, इसकी आवाज़ को एडजस्ट भी कर सकते हो। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो इसको जितना चाहो उतना कम कर सकते हो या फिर जितना चाहो उतना ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जितना कम कर दोगे उतना आपका स्लो स्लो चलेगा और आपके वीडियो की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से इसका लाइसेंस भी चेक कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पर नहीं लगाना, तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। और जो भी यहाँ पर आप एडिटिंग करोगे ना, उसको सेव करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आप इजिली बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज कर सकते हो अपने वीडियोज पर, कहीं पर भी जहाँ यूज करना है वहाँ पर पहले आपको इसको खिसका करके ले जाना है और बस वहाँ से आप यूज करके एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो और जितना इसका वॉल्यूम चाहिए वो भी आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो तीसरी चीज आती है आपका ब्लर वाला, ये यहाँ पर काफी अच्छी चीज दी गई है, क्योंकि हमारे वीडियोस पर कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जो कि हमको ब्लर करके रखना चाहिए था, नहीं सबको दिखाना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख जाता है गलती मिस्टेक वगैरह से, तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक करता हूँ या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्लर कर सकते हो जो आगे आपका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो चीजें आपको दिखाई देती है, एक आपका होता है फेस ब्लर और दूसरा होता है आपका कस्टम ब्लर। पहले मैं आपको बताता हूँ फेस ब्लर के बारे में। जैसे यहाँ पर मैं फेस ब्लर पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने आपके वीडियोज पर, इस वीडियो के अंदर जितने आपके फेस यूज करे गए होंगे वो यूट्यूब ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करके दिखा दे। यहाँ पर आपका फेस रिडक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जैसे ये आपका 100% हो जाएगा तो जितने भी इस वीडियो पर फेस यूज करे गए होंगे सारे के सारे फेस आपके आ जाएंगे। क्योंकि कई बार होता क्या कि आपके वीडियो पर मान लो आपके अलावा किसी का फेस यूज हो गया और उसको दिक्कत होती है, तो आप यहाँ से इजिली उस फेस को
को सिलेक्ट करके उस स्पेशल उस फेस को आप यहाँ पर ब्लर कर पाओगे। ठीक है, सब कुछ आगे आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, इस फेस के अलावा इस वीडियो पर किसी का फेस नहीं है। तो मान लो कि ये मेरा फेस नहीं होता, किसी और का फेस होता, तो सिंपल सा इसके ऊपर आपको एक बार टैप करना है, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये फेस वीडियो पर जहाँ जहाँ यूज करा गया होगा ना, वो आपका ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप वीडियो में देख भी सकते हो, कुछ इस तरीके से आपका हो गया है। ये पूरा टाइमिंग भी आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप मैनेज भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो अपना पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ब्लर हो गया है। अब मैं यहाँ पर अगर इस वीडियो को प्ले करता हूँ ना, तो जहाँ जहाँ मेरा फेस होगा ना, जिधर को फेस जाएगा ऑटोमेटिक ये यहाँ पर उस फेस को रिडायरेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे तो इसको ब्लर नहीं करना, क्योंकि ये तो मेरा ही फेस है। तो यहाँ से मैं सिंपल से इसको अंडू कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मैं जितनी बार मैंने एडिटिंग करा उसको सारा का सारा यहाँ से मैंने इसको अंडू कर दिया। अब मैं देखो आपको जो फेस जो ब्लर करने वाला जो दूसरा पॉइंट है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो आपको कस्टम ब्लर का ऑप्शन मिलता है ना, इस पर सिंपल से मैं क्लिक कर देता हूँ। कस्टम ब्लर का मतलब होता है आप पर्टिकुलर खुद से ब्लर कर सकते हो। जैसे ये आपका पूरा सेक्शन है, इसको आप उठा के कहीं पर भी ब्लर कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा यहाँ पर फेस है, तो इस फेस पर मैं यहाँ पर इसको ब्लर करना चाहता हूँ, इतना मैंने कर दिया ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले आप इसको जितना छोटा या बड़ा करना चाहो तो आप कर ही सकते हो, जितना भी जिधर आपको करना चाहो तो वो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको पर्टिकुलर कहीं पर भी खिसका सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर चेहरे को ढक दिया। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ शेप्स भी मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर रेक्टेंगल शेप मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्कल शेप भी मिल जाता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देते हो तो ये जो आपका गोला टाइप का हो जाता है, ठीक है, सर्कल टाइप में हो जाता है। अब यहाँ पर दो मेन चीज़ समझने वाली बात है, एक आपका होता है ट्रैक ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका फिक्स ब्लर पोजीशन। अगर आप फिक्स ब्लर पोजीशन पर क्लिक कर देते हो ना, तो ये जो आपने ब्लर किया है ना, तो इस वीडियो को आप प्ले कर दोगे तो ये जो आपका ब्लर है ये ऑटोमेटिक आपका एक ही जगह होगा जिस जगह आपने कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने फिक्स कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया ट्रैक ऑब्जेक्ट पर, तो यहाँ पर आपने अगर चेहरे को ब्लर किया ना, तो जहाँ जहाँ आपका वीडियो में चेहरा जाएगा ना, ये ब्लर भी ऑटोमेटिक आपका उधर की तरफ पहुँच जाएगा। तो ये मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मान लो कि आपका ब्लॉग टाइप का कोई वीडियो है, उस पर किसी का चेहरा आ गया ना, तो एक बार आपको उसके चेहरे को ट्रैक करना है, और बस आपको उसको ट्रैक करके आपको ये ट्रैक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना, तो वो वीडियो में कहीं पर भी नजर आ जाए ऑटोमेटिक ये ब्लर उसको डिटेक्ट करके उसके चेहरे पर ब्लर कर देगा। ठीक है, ये स्पेशली मुझे ब्लर वाला सिस्टम तो यहाँ पर YouTube ने बहुत ही अच्छा दिया, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एडिटिंग के बाद भी आप इसको कर सकते हो, एडिटिंग में तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर ही सकते हो, लेकिन एडिटिंग के बाद भी आप ये चीज़ कर सकते हो। बस जैसे आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सेव में ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और सक्सेसफुली आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर दिया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्या हमको ये यहाँ से इस पेज से बाहर जा सकते हैं? तो बिल्कुल बाहर जा सकते हो, आप बाहर भी जा सकते हो, इसको कट भी कर सकते हो, एंड यहां से आप अपने डाटा या फिर नेटवर्क को भी ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर मैं ये सारा कुछ मिस्टेक तो मेरे में कुछ नहीं है, तो यहां पर मैं फिर से सारी की सारी चीजें यहां पर अंडू कर देता हूं। जो जो चीजें यहां पर मैंने अप्लाई करी हैं सारी की सारी यहां पर आप अंडू कर सकते हो, अगर आपने गलती से मिस्टेक कर दी या फिर गलती से कर दिया, सब कुछ आप अंडू भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्लर वाला सिस्टम भी बता दिया, म्यूजिक ऐड करने का सिस्टम भी बता दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक जितना वॉल्यूम में चाहो वो कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने वीडियो को कट करने का ट्रिम करने का सारा कुछ आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब आपको जरूरी नहीं है कि वीडियो को डिलीट ही करना पड़े, फिर से अपलोड करना पड़े, वीडियो अपलोडिंग के बाद भी आप यहाँ पर सारा कुछ मैनेज कर सकते हो, सब कुछ एडिटिंग कर सकते हो। और मान लो कि आपको ऐसा ट्यूटोरियल बताते हो जहाँ पर कुछ नंबर वगैरह कुछ दिख जाता है, ईमेल वगैरह कुछ दिख जाता है, तो वो भी आप ब्लर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कितना सिंपल तरीके से आप अपने अपलोडेड वीडियो को भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिनको अपलोड होने के बाद एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।